पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस ने हमेशा बांटने वाली नीति अपनाई है। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का भी आरोप लगाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, जिस तरीके से कल राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को तोड़मोड़ को पेश किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस पार्टी नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, राहुल गांधी जी को खुद नहीं पता है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो महिलाओं के गहनों की जांच कराएंगे, प्रॉपर्टी की जांच कराएंगे, बहुत दुखद है। आम जनता हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के इन शब्दों को सुनकर के बहुत ही दुखी है, आश्चर्यचकित है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि मुसलमानों का हम विशेष ख्याल रखते हैं। जिस ढंग से कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और इन चुनाव में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है, रसातल की तरफ जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सलवाद की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया है जो समाज में विध्वंसकारी नीतियों को पनपाने का काम करते हैं। इसके पीछे से कारण क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस केवल वोट पॉलिटिक्स करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर देश के एक एक जन को जोड़ करके, प्रदेश के एक एक जन को जोड़ करके गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बना चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का जो विश्व बंधुत्व का सिद्धांत है पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और पूरा भारतवर्ष अपने मतदान के दिन के अधिकार को प्रयोग करने के लिए बीजेपी के पक्ष में आतुर है। उत्तर प्रदेश राज्य में तो 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है।